बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर और टैलेंटेड एक्टर मनोज बाजपेयी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। मनोज बाजपेयी की मां गीता देवी का 80 की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने इस दुनिया को कह दिया है अलविदा। मनोज बाजपेयी की मां गीता देवी काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज सुबह 8:30 बजे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में 80 की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली है। मां के निधन ने मनोज बाजपेयी को बुरी तरह से तोड़ दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मनोज बाजपेयी की मां गीता देवी पिछले काफी लंबे समय से बीमार चल रही थी और इसी की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट भी थी जहां उनका इलाज चल रहा था, मगर पिछले एक हफ्ते से उनकी हालत काफी खराब हो गई और इसकी वजह से उन्हें दिल्ली के हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया था। हाल ही में एक्टर मनोज बाजपेयी अपनी बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल कर अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल भी पहुँचे थे। माँ के निधन से मनोज बाजपेयी के साथ उनका पूरा परिवार सदमे में है। ऐसे में एक्टर काफी टूट गए हैं और इस घड़ी में वो अपने परिवार को संभालने की काफी कोशिश भी कर रहे हैं। बताते चले कि मनोज बाजपेयी की माँ के निधन की खबर अशोक पंडित ने एक ट्वीट के जरिए दी है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मनोज बाजपेयी आपकी आदरणीय माँ के दुखद निधन पर आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी हार्दिक संवेदनाएं, ओम शांति। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।